नमस्कार। मार्च 2021 से हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 15 अगस्त 2022 को भारत को आजादी मिले 75 साल पूरे हो जाएंगे। इस उपलक्ष में हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के पीछे उद्देश्य है तिरंगे से भावनात्मक रूप से जोड़ने का। हमारी आजादी के लिए शहीद हुए समस्त क्रांतिवीरों को श्रद्धांजलि देने हेतु भारत की रक्षा में सीमा पर अनवरत सेवा करने वाले वीर सैनिकों के सम्मान हेतु बलिदानियों के बलिदान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने हेतु अपने महान राष्ट्र भारत से असीम प्रेम को व्यक्त करने हेतु हम तिरंगा ध्वज फहराते हैं। और इस बार हम 13 अगस्त से 15 अगस्त तक ध्वज फहराएंगे। यह तिरंगा भारत के वीरों की वीरता का रूप है। यह तिरंगा सूर्य की पहली किरण है। सूरज सा भगवा तेज है इसमें, शांति का सफेद संदेश है इसमें, इसमें खुशियों की हरियाली है। यह चक्रवर्ती चक्रधारी है जिसकी खातिर 18 साल के खुदीराम फांसी के फंदे को गले लगाते हैं, जिसकी खातिर लाल बाल और पाल सर्वस्व समर्पित कर जाते हैं, जिसकी खातिर भगत सिंह प्राणों की आहुति देते हैं, जिसकी खातिर सावरकर काला पानी की यत्नों को सहते हैं। भारत माँ से हमारे प्रेम का प्रतीक है तिरंगा। आज़ादी के दीवानों द्वारा गाया गया हर गीत है तिरंगा। राष्ट्र रक्षा में तैनात सेना की शक्ति का स्रोत है तिरंगा। बलिदान और अदम्य साहस से ओतप्रोत है तिरंगा। स्वाधीनता के महान महायज्ञ से निकला फल है तिरंगा। भारत का अतीत आज और कल है तिरंगा। यह तिरंगा विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र है। यह तिरंगा वीरता का गूंजता एक मंत्र है। यह तिरंगा गांधी जी की शांति वाला खोज है। यह तिरंगा नेताजी के दिल से निकला खोज है। आज़ादी के इस पावन पर्व पर अभियान को सफल बनाकर देश के अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य पूरा करें। आओ हम सभी मिलकर ध्वज फहराएं। आपको 75वें स्वतंत्रता दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।